सर नमस्ते, जी जन सरोकार मंच पर आपका स्वागत है और हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि आज हम आपकी कुछ कविताएं सुनेंगे और एक एक नया दृष्टिकोण आपकी कविताओं के माध्यम से हमको समझने का मौका मिलेगा। तो सर स्वागत पुनः आपका जन सरोकार मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। जन सरोकार का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा सबसे पहले कि मुझे आपने आज अपनी बात कविता के माध्यम से कहने का अवसर दिया। और कोई भी रचनाकार रचना करने के क्रम में जब समाज के बीच पहुंचता है उसके लिए वो एक उपलब्धि होती है, और जिन माध्यमों से पहुंचता है उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना उसकी नैतिकता होती है। तो मैं भी अपनी इस नैतिकता का निर्वाह करते हुए आपको, आपके सब साथियों को और आपसे जिन्होंने मेरा परिचय कराया, संभवतः डॉक्टर हरिराम मीणा जी ने, बिल्कुल सर, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मित्र, मैं रहने वाला अलीगढ़ का हूँ। गांव मेरा अलीगढ़ से करीब 18 किलोमीटर दूर है। छोटा सा गांव है, नन्ही का नंगला, और उससे थोड़ा दूर बड़ा गांव है जो हमारी ग्राम पंचायत का मुख्यालय है, कोमरी। वहां से मैंने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की, और उस पढ़ाई को पूरा करने के बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बीए ऑनर्स का विद्यार्थी बनकर के पहुंचा, और आगे मैंने वहां पर अपना अध्ययन किया। वहीं से एमए, एमफिल, पीएचडी की उपाधियां मैंने प्राप्त की, और पीएचडी करने के क्रम में ही मुझे धर्म समाज महाविद्यालय अलीगढ़ में, उस समय प्रवक्ता कहलाते थे, अब सहायक प्रोफेसर कहलाते हैं, उस पद पर आयोग से नियुक्ति प्राप्त हो गई थी। और अप्रैल 1996 में मैंने अपने नौकरी शुरू की, और वहाँ 13 वर्ष कुछ दिन नौकरी करने के बाद मैं मणिपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर बनकर के 22 मई 2009 को पहुंचा। वहां प्रोफेसर और विभाग का अध्यक्ष रहते हुए मैंने सेवाएं दी। उसके बाद असम विश्वविद्यालय सिलचर में मैंने प्रोफेसर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वहाँ लगभग 5 वर्ष रहा, और उसके बाद 6 सितंबर 2019 को मैं दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में आया, और वर्तमान में विभाग का अध्यक्ष। और अब हमारा जो विभाग है, पहले हिंदी विभाग माना जाता था, अब वह भारतीय भाषा विभाग के रूप में पहचान प्राप्त कर चुका है। तो मैं इस समय अध्यक्ष भारतीय भाषा विभाग दक्षिण बिहार के निदेशालय गया के रूप में कार्य करते हुए अधिष्ठाता भाषा एवं साहित्य पीठ दक्षिण बिहार के निदेशालय गया के रूप में भी राष्ट्र की सेवा कर रहा हूँ, समाज की सेवा कर रहा हूँ। लिखने का शौक मुझे शुरू से रहा है। अगर मैं अपनी रचनाओं के बारे में कहूँ तो मेरी 12 कृतियां विशुद्ध आलोचना की हैं, और उन कृतियों में मैंने दलित आलोचना बोध के तहत जो हिंदी का और हिंदी से इतर भाषाओं का साहित्य जो अनूदित रूप में मुझे प्राप्त हुआ उसका मैंने मूल्यांकन किया है। मैं कविता
कविता भी लिखता हूं और उसी की देन है कि आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मेरी 3 कृतियां कविता की अब तक प्रकाशित हैं, चौथी कृति प्रकाशनाधीन है, अमन प्रकाशन कानपुर से। देखिए हो सकता है कि 2 महीने के अंदर छप करके आ जाए। मैं नाटक भी लिखता हूँ, मेरे 5 नाटक प्रकाशित हैं, छठवां नाटक अनंग प्रकाशन दिल्ली से इसमें प्रकाशनाधीन है। और अच्छी बात यह है कि मेरा एक नाटक जो कोरोना काल में आया, जिसका शीर्षक है मंदिर से अस्पताल, यह समय की मांग करने वाला नाटक रचना धर्मिता के स्तर पर अस्तित्व में आया था और इसने समय की मांग को इतना पूरा किया कि बहुत अल्प अवधि में इस पर मेरे शुभचिंतकों ने, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, प्रोफेसर्स, आलोचकों ने इतने लेख लिखे कि डॉक्टर हरिराम मीणा जी ने उन लेखों को संपादित करके 170 पृष्ठ के आसपास का ग्रंथ ही दिल्ली से प्रकाशित कराया है, जिसका लोकार्पण कुछ दिन पहले ही गया में आकर के डॉक्टर हरिराम मीणा जी ने कराया था। संपादन के माध्यम से मैंने अपने उस वंचित समाज को स्वर देने वाले साहित्यकारों को सामने लाने की कोशिश की, जिन पर लोग लिखने से बचते हैं। मैंने लोगों से निवेदन कर करके दलित साहित्यकारों पर लिखवाया, लोगों ने लिखा और मैंने एक के बाद एक अन्य साहित्यकारों को भी सम्मिलित करते हुए 6 ग्रंथ संपादित किए हैं। तो इस तरह से वर्तमान में 6 संपादित ग्रंथ, 12 आलोचना ग्रंथ जो मेरे मौलिक हैं, 5 नाटक और 3 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। एक नाटक और एक कविता संग्रह प्रकाशनाधीन है और 2 उपन्यास मेरे अभी चल रहे हैं, मैं लिख रहा हूं। देखिए भविष्य में क्या होगा ये नहीं कह सकता, लेकिन बहुत जल्दी ही मुझे आशा है कि मेरे 2 उपन्यास भी प्रकाशित होंगे, आप लोगों के बीच आएंगे। और मैं यहाँ इतना बस कहना चाहूंगा कि मेरा जो भी लेखन है, ये सब लेखन विधा कोई भी हो, सदियों संदियों से वंचित रहे समाज की आवाज है। मैंने दलित इतिहास बोध से लेकर के दलित आलोचना बोध के तहत अपना लेखन शुरू किया था, कर रहा हूं और जब तक जीवन है तब तक करता रहूंगा। आज उसी क्रम में उपस्थित हूं आपके समक्ष कुछ कविताओं को लेकर के। बिल्कुल स्वागत है सर। तो आपने कविताओं में भी एक नया दृष्टिकोण दिया है सर, है ना, तो उनको ही सुनना चाहते हैं हम कविताओं। हाँ बिल्कुल, मैं भी चाहूंगा कि हम लोग तमाम कारण हैं और उन कारणों में से एक कारण है वर्ण और जातिवाद का। मैं जब छोटा था तब से सुनता चला आ रहा हूं कि अगर भारत में से वर्ण और जात के आधार पर वंचित बना दिए गए सुविधाओं से वंचित कर दिए गए समाज के योगदान को निकाल दें तो भारत के पास कुछ नहीं बचेगा, मुख्य रूप से ज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, वाङ्मय के क्षेत्र में। आप देखिए जिन्होंने भगवान को आधार दिया वे वाल्मीकि, आज एक बहुत कम लोगों के द्वारा याद किए जाते हैं। और जब बात आती है कि इस भारत का पहला कवि कौन है तो महर्षि वाल्मीकि है। उसके बाद नाम आता है महाभारत का, उसके रचयिता वेद व्यास है। उसके बाद संत काव्य का उल्लेख होता है, वहां पर संत रैदास और संत कबीर हैं।
और आधुनिक काल में जिनसे हमारा पूरा देश प्रभावित है, दुनिया में जिनको ज्ञान का प्रतीक कहा गया, जिनके द्वारा लिखे गए संविधान से भारत की पूरी व्यवस्था संचालित होती है, उनके प्रति वर्तमान में समाज में जो स्थितियां हैं वो हमको चिंता में डालने वाली हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इन महापुरुषों के योगदान को अलग कर दीजिएगा तो साहित्य में और अन्य प्रकार के बौद्धिक लेखन में क्या बचेगा, यानी यही आधार है। तो मैंने कुछ पद ठीक उसी तरह से जैसे संतों ने लिखे, भक्तों ने लिखे, और उसमें वो संबोधन देते हैं अपने अनुसार, तो मैंने भी भारत के संविधान के निर्माता, ज्ञान के प्रतीप बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहेब कह के पुकारते हैं, उनको संबोधन देते हुए मैंने पद लिखे हैं। उनमें से मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा अगर आपकी अनुमति हो, और इस तरह की रचना धर्मिता को मैं अंबेडकर काव्य के रूप में अपने एक शोध पत्र में पहचान देने की कोशिश भी कर रहा हूं। आपकी अनुमति हो तो मैं एक पद सुनाऊं। स्वागत सर, आपका स्वागत। जी धन्यवाद। देखिए कुछ पद सुनाऊंगा, और पहला पद इस प्रकार है कि बाबा साहेब देख मिशन की हालत चिंता बढ़ गई, जाति भावना दलितों में ऊपर चढ़ गई। बाबा साहेब देख मिशन की हालत चिंता बढ़ गई, जाति भावना दलितों में ऊपर चढ़ गई। शोषक से लड़ना था मिलकर जिसको, शोषक से लड़ना था मिलकर जिसको, वह जमात आपस में भिड़ गई। बाबा साहेब देख मिशन की हालत चिंता बढ़ गई। न सत्ता में आए एक दलित दल, न सत्ता में आए एक दलित दल, दलित पार्टी अन्य चुनाव में अड़ गई। बाबा साहेब देख मिशन की हालत चिंता बढ़ गई, जाति भावना दलितों में ऊपर चढ़ गई। न सत्ता में आए एक दलित दल, दलित पार्टी अन्य चुनाव में अड़ गई। दलितों में ही दलितों की पहचान, बाबा साहेब दलितों में ही दलितों की पहचान, बुरी तरह खतरे में पड़ गई। देख मिशन की हालत चिंता बढ़ गई, जाति भावना दलितों में ऊपर चढ़ गई। बाबा साहेब जाति भावना दलितों में ऊपर चढ़ गई। यह एक छोटा सा पद मैंने आपके सम्मुख रखा, और दूसरा पद अभी ही लिखा था मैंने, वह इस प्रकार है। मैं चाहूंगा कि आप इस पर ध्यान देंगे। बाबा साहेब खूब खर्च कर नई संसद बन गई, बाबा साहेब खूब खर्च कर नई संसद बन गई, असंसदीय भाषा संसद में चल गई। बाबा साहेब खूब खर्च कर नई संसद बन गई, असंसदीय भाषा संसद में चल गई। न संसद की गरिमा न लोक लाज, सांसद पे सांसद की गाली पड़ गई। बाबा साहेब खूब खर्च कर नई संसद बन गई, असंसदीय भाषा संसद में चल गई। न संसद की गरिमा न लोक लाज, सांसद पे सांसद की गाली पड़ गई।
हंसी बेइज्जती संसद में एक साथ, हंसी बेइज्जती संसद में एक साथ, अपसंस्कृत की स्वयं पोल खुल गई, खूब खर्च कर नई संसद बन गई, असंसदीय भाषा संसद में चल गई। बहस तहस नहस विद्वेष व्यक्त, लोकतंत्र में अलोकतांत्रिक रीति बन गई, खूब खर्च कर नई संसद बन गई। अनपेक्षित होन घटित संसद में लिखने की आवश्यकता पड़ गई, बाबा साहेब खूब खर्च कर नई संसद बन गई, असंसदीय भाषा संसद में चल गई। ये दूसरा पद मैंने आपको सुनाया और इसके बाद अगर अनुमति हो आपकी आप मुझे बता दीजिएगा कितना समय है। एक अन्य कविता जो भारत के संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों की जनसामान्य में समझ बढ़ाने के उद्देश्य से मैंने लिखी है, जिसका शीर्षक है भीम ने किया। आपकी अनुमति हो महोदय तो मैं इस कविता को सुनाऊं। बिल्कुल सर, स्वागत। कविता इस प्रकार है कि सिर उठा चलने का अवसर हमको भीम ने दिया, सिर उठा चलने का अवसर हमको भीम ने दिया, जनहित मेन कर सका कोई वह काम मेरे भीम ने किया। सिर उठा चलने का अवसर हमको भीम ने दिया, जनहित मेन कर सका कोई वह काम मेरे भीम ने किया। दे अधिकार समता का जन किए परस्पर माननीय, स्वदेश का गौरव बढ़ाया, कर सभ्यता को मानवीय, ऊंच नीच का भेद अहित कर, कलम शक्ति से मिटा दिया, जनहित मैन कर सका कोई वह काम मेरे भीम ने किया, वह काम मेरे भीम ने किया। स्वतंत्रताओं की सौगात दी स्वतंत्रता के अधिकार में बाधान कोई अब रही विचारों के प्रसार में, विकास हो सम्यक सबका इसलिए संघर्ष मार्ग प्रशस्त किया, जनहित मैन कर सका कोई वह काम मेरे भीम ने किया, वह काम मेरे भीम ने किया। शोषण किया समाप्त शोषण के विरुद्ध अधिकार से कोटि कोटि जन आज सुखी हैं, पहले पीड़ित थे बेगार से, वर्ष 14 तक के बच्चों का जीवन खूब संभाल दिया, जनहित मैन कर सका कोई वह काम मेरे भीम ने किया। बोधिसत्व थे भीमराव सो दिया धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे चाहे वह धर्म माने हम पर किया बड़ा उपकार, धर्म से मनुष्य का संबंध सहज सात्विक बना दिया, जनहित मैन कर सका कोई वह काम मेरे भीम ने किया, जनहित मैन कर सका कोई वह काम मेरे भीम ने किया। सबकी संस्कृत शिक्षा का संरक्षण हो विकास हो, अल्प
संख्यक होने के कारण न कोई वर्ग निराश हो, संस्कृत व शिक्षा संबंधी अधिकार से इसका उचित उपाय किया, जनहित में न कर सका कोई, वह काम मेरे भीम ने किया, वह काम मेरे भीम ने किया। मौलिक अधिकार अन्य किए सुरक्षित, मौलिक अधिकार अन्य किए सुरक्षित, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से अब न्यायालय देता है मुक्ति पीड़ित को पीड़क के अत्याचार से। समर्थ को नहीं दोष की सोच का संवैधानिक समाधान दिया, जनहित मैन कर सका कोई, वह काम मेरे भीम ने किया, वह काम मेरे भीम ने किया। यह कविता यहां पर पूर्ण होती है। इसके बाद एक कविता मैंने लिखी है जय भीम को लेकर। आज एक बड़ा जनसमुदाय देश देशांतर में जय भीम का संबोधन करके परस्पर संवाद शुरू करता है और फिल्म से लेकर के साहित्य में लोकाचार में जय भीम बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। बिल्कुल सर, अगर आपकी अनुमति हो तो जय भीम वाले शीर्षक से जो मैंने कविता लिखी है इसको मैं सुनाऊं। स्वागत सर। धन्यवाद। कविता को इस प्रकार है, न्याय हेतु प्रतिबद्ध जय भीम वाले हैं, न्याय हेतु प्रतिबद्ध जय भीम वाले हैं, संविधान रचयिता के गुण गाने वाले हैं, जय भीम वाले हैं, हाँ हम जय भीम वाले हैं। करते नियमबद्ध उपक्रम समता के रक्षक हम, करते नियमबद्ध उपक्रम समता के रक्षक हम, त्याग और बलिदान लक्षण हमारे हैं, जय भीम वाले हैं, हाँ हम जय भीम वाले हैं। सुने भेद वर्तने वाले, सुने भेद वर्तने वाले, ऊंचा नीचा करने वाले, जुल्मों की टक्कर में हम संघर्ष वाले हैं, जय भीम वाले हैं, हाँ हम जय भीम वाले हैं। जो तोड़े भीम प्रतिमा, जो तोड़े भीम प्रतिमा, पूर्ण होगा उनका सपना, जो तोड़े भीम प्रतिमा, पूर्ण होगा उनका सपना, प्रतिमा गढ़ने वाले भीम दीवाने हैं, जय भीम वाले हैं, हाँ हम जय भीम वाले हैं। संविधान बचाना है, संविधान बचाना है, भारत महान बनाना है, हारना नहीं आता जीतने वाले हैं, जय भीम वाले हैं, हाँ हम जय भीम वाले हैं, जय भीम वाले हैं, जय भीम वाले हैं। यह कविता भी पूर्ण होती है और एक कविता अलग प्रकार की जिसका शीर्षक प्रकाश की जय है जी। यह कविता एक पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी है, अभिव्यक्त नामक पत्रिका है जो कोटा से श्रीमान महेंद्र नेहरी जी निकालते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आप अनुमति दें इस कविता को मैं सुनाऊं। स्वागत है सर आपका। श्रीमान धन्यवाद। कविता इस प्रकार है कि ईंट के भट्टों की चिमनियों से, ईंट के भट्टों की चिमनियों से धुआं के गुब्बार निकले, अपनी कालिमा से बेचैन धुआं के गुब्बारों को सूर्य के प्रकाश में
जगमग शहर की आभा से ईर्ष्या हो गई। ईंट के भट्टों की चिमनियों से धुआं के गुब्बार निकले, अपनी कालिमा से बेचैन धुआं के गुब्बारों को सूर्य के प्रकाश में जगमग शहर की आभा से ईर्ष्या हो गई। ईर्ष्या ने धुआं के गुब्बारों को सीख दी एकता की, ईर्ष्या ने धुआं के गुब्बारों को सीख दी एकता की, धुआं के अनेक गुब्बार मिल गए, धुआं के अनेक गुब्बार मिल गए। इस मिलन को महामिलन बताया गया। धुआं के गुब्बारों के महामिलन से विशाल गुब्बार अस्तित्व में आया। शहर को सूर्य के प्रकाश से वंचित करने के लिए विशाल धुआं गुब्बार ने षड्यंत्र रचा। विशाल धुआं गुब्बार ने षड्यंत्र रचा। प्रभात होने से पहले ही विशाल धुआं गुब्बार शहर के ऊपर पसर गया। पवन वीर को शहर विरुद्ध धुआं षड्यंत्र का पता चला। भर हुंकार पवन वीर आगे बढ़ा, विशाल धुआं गुब्बार सहन सका पवन वीर का दबाव। क्षण भर षड्यंत्र हुआ उसका छिन्न भिन्न, अस्तित्व गया उसका बिखर। मिला प्रकाश शहर को सूर्य का यथा समय, बोला पवन वीर प्रकाश की जय, प्रकाश की जय, प्रकाश की जय। तो मित्र, मैंने कुछ पद कुछ कविताएं आपको सुनाई। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने प्रारंभ में मुझे संकेत दिया था कि 10-15 मिनट, लेकिन मैं देख रहा हूं कि 12:28 हो रहे हैं, तो समय मैंने पहले ही ज्यादा ले लिया है, तो अब कुछ कहने की मेरी हिम्मत नहीं है। मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे अपनी कविताई आपके समक्ष रखने के लिए अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको किन शब्दों में मैं अपना आभार व्यक्त करूं समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरे धन्यवाद को ही, मेरे हार्दिक धन्यवाद को ही स्वीकार करें। पुनः आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी।